नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। दूसरा पार्ट यानी एक पार्ट हम पहले ही परसों को है आपको अपडेट दे चुके हैं। दूसरा पार्ट उसी का यानी कि माइनिंग से एक मैक्सिमम अर्निंग कैसे की जा सकती है फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपका मार्केट में क्या चल रहा है, कब से बुलिशनेस है, बस इसी के बारे में आप दो टॉपिक रहेंगे आज हमारे। और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले लेते हैं बीटीसी। आपका कल देखिए 70,000 से ऊपर ही आपका बीटीसी ट्रेड कर रहा है। वजह इसके पीछे दो है और दोनों ही बुलिश न्यूज थी, और वो मैंने आपको ट्विटर पर पहले ही प्रोवाइड करा चुका हूं। पहली जो बुलिश न्यूज है और काफी बड़ी न्यूज है, इसको बड़ी कहेंगे छोटा नहीं कहेंगे, क्योंकि बिटकॉइन का माइनर अगर खरीदता तो एक अलग बात थी। गोल्ड माइनर ने करीब करीब आप ये मान लीजिए 24,000 से ज्यादा बीटीसी बाय किए। अब यहां देख लीजिए, यानी कि जो बिटकॉइन का माइनर है वो तो एक अलग चीज है, यानी बिटकॉइन का माइनर तो ऑलरेडी सेल ही करता है, जो अपना माइन कर लेता है बेच देता है, जैसे हम लोग माइनिंग करते हैं उसी तरीके से बिटकॉइन का माइनर भी ही अपना सेल करता है अपना खर्चा निकालने के लिए। लेकिन यहां एक दूसरी चीज एंटर कर दी और वो है गोल्ड माइनर, यानी कि जो सोने सोने की माइनिंग करते हैं वो लोग भी सोने को छोड़कर बीटीसी पर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, उनका रुझान बीटीसी की तरफ बढ़ रहा है। और वही देखिए कल 24,000 से ज्यादा की बाइंग लगभग 8 से 9 घंटे पहले, और आप ये देख रहे हैं बीटीसी उसी टाइम से आपका 70,000 से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो देखिए वैसे भी खैर बुलिशनेस तो है ऑलरेडी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यह एक चीज जो है मैं हमेशा आपको अभी लगभग एक हफ्ते से बोल रहा हूं, जो बड़े बड़े ईटीएफ प्लेयर थे, ब्लैक रॉक हो गया, फिडेलिटी हो गया, बिटवाइज हो गया, एआरके इन्वेस्टमेंट हो गया, ये लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इन्होंने बाइंग कम कर रखी है। ये अलग से बाइंग हुई है, ये बाइंग उनकी नहीं है, ये बाइंग अलग से है। ग्रे स्केल ऑलरेडी आपका पर डे सेल कर रहा है, मैं आपको ट्विटर पर इसका अपडेट दे रहा हूं। तो यहां बात भी आ जाती है गोल्ड माइनर ने खरीदा, अच्छी बात है। अगर वो और भी ऐसे कुछ जो गोल्ड माइनर हैं, अगर वो आके बीटीसी को खरीदते हैं तो बुलिशनेस तो ऑलरेडी इसमें है। लेकिन अगर जो अपने ईटीएफ वाले हैं, जो ये ब्लैक रॉक वगैरह हैं, ये जिस तरीके से खरीद रहे थे उस तरीके से अगर वो भी थोड़ा थोड़ा और खरीदते रहे ना, तो देखिए फिर बीटीसी में एक बहुत अच्छा स्पाइक आपको हमेशा के लिए देखने को मिलता रहेगा। लेकिन अगर ये लोग शांत हो गए, तो अभी आपने पीछे देखा एक हफ्ते से साइड में था, या वही 62-63-61 इस रेंज में जो बीटीसी घूम रहा था, बीटीसी आपको उसी रेंज में फिर से घूमता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन क्या है, बाइंग होनी चाहिए मोटी, तो कल जो बाइंग हो गई है उसकी वजह से बीटीसी आपका 70,000 से ऊपर चला गया। ये दोनों बुलिश न्यूज थी, इसी की वजह से आप देख रहे हैं मार्केट में कल हरियाली भी अच्छी खासी ठीक रही। लेकिन यहाँ आपके अल्टकॉइन देखिए उतने नहीं कूदे, ये थोड़ी सी गलतफहमी अभी आप निकाल देगा बहुत से कह रहे सर क्या आप यहां से अल्टकॉइन भी चलेंगे, नहीं भाई कल ये बीटीसी के लिए ही थी, आप अल्टकॉइन उठा के देख लीजिए, कोई सा ये कहोगे बहुत ज्यादा पंप करा हो ऐसा नहीं है, वही 5-6-7-8% यही रहा है अल्टकॉइन जो अपने मेजर कैप वाले हैं। तो यहां थोड़ा सा आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि ज्यादा फोमो में आने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा भी अल्ट सीजन आने दीजिए। मीम कॉइंस की देखिए अलग कहानी रहती है, उनका कुछ नहीं, उन तो जब दिल करता है तब उड़ने लगते हैं। तो अब आते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक पर, जो मैंने कहा था कि भाई देखिए इसके दो पार्ट होंगे, तो एक वीडियो में आपको परसों दे चुका हूं, थंबनेल ये है। इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को जरूर देखिएगा थंबनेल वाले को, क्योंकि तभी आपको पूरी स्ट्रेटेजी माइनिंग की समझ में आएगी। अगर आपने ये वीडियो देख लिया और वो नहीं देखा तो देखिए पूरी कहानी आपको समझ में नहीं आएगी कि माइनिंग से आप प्रॉफिट मैक्सिमम कैसे कर सकते हैं, कैसे कमा सकते हैं। अब यहां देखिए मैं थोड़ा सा एक चीज और कहना चाहूंगा, यहां बहुत से लोग कहते हैं सर ये मत बताओ फ्री की चीज है क्या करना है, तो मेरे भाई आपको नहीं करना आप नहीं कीजिए, कोई हार्ड एंड फास्ट कोई जबरदस्ती नहीं है, जिनको कुछ अर्न करना है, जिनको कुछ उम्मीद है मिल सकता है तो वो अर्न कर सकते हैं, वो माइनिंग कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ 24 घंटे में एक बार आपको ये हथौड़ी तो मारनी है, 24 घंटे वो भी एक बार, किसी किसी में चलो 5-6 घंटे में, वरना 24 घंटे में एक ही बार हथौड़ी मारनी पड़ती है वो भी नहीं मार सकते, तो भाई आप माइनिंग मत करो, मैं तो यही कहूंगा। लेकिन ये मत बोलो कि आप मत बताओ, भाई आप ही तो हो जो नहीं करना चाहते, भाई 90% लोग तो करना चाहते हैं, तो भाई मैं 90% को कैसे छोड़ दूं, आप नहीं करना चाहते मत कीजिए, स्क्रॉल कर दीजिए, वीडियो आगे बढ़ा दीजिए, बस इतना सिंपल सा काम है। अब रही बात इसकी कि क्या करना चाहिए, तो मैंने कहा ना कि आप ये जो थंबनेल वीडियो चल रहा है ये वाला जरूर देखिए, इसी चैनल पर पड़ा हुआ है परसों का, तो आपको जो थोड़ी सी एक कहानी समझ में आएगी कि आखिर कैसे माइनिंग करके हम मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब यहां आते हैं कि मैंने क्या, मुझे देखिए मैं एक एग्जाम्पल करंट का एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूं। आइस नेटवर्क क्या पता था ये कुछ देगा, किसी को नहीं पता, हमें भी नहीं पता था, क्योंकि जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है माइनिंग का तो भाई उस पर हम यकीन नहीं कर सकते, लेकिन क्या है फिर भी हम आंख बंद करके चले जाते हैं, देखी जाएगी जो होगा, क्यों, क्योंकि जेब से उस टाइम पे कुछ नहीं जा रहा होता है, छानबीन ज्यादा वहां की जाती है जहां जेब से कुछ जाता है, जब हम कुछ लगा नहीं रहे तो भाई ज्यादा छानबीन करके करना भी क्या, दे दिया तो बहुत अच्छा, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, साइड हो गया।
तो वही है कि आइस से भी कोई उम्मीद नहीं थी कि ये कुछ देगा, लेकिन धीरे धीरे जब प्रोजेक्ट आगे बढ़ा, धीरे धीरे विश्वास बढ़ा, धीरे धीरे कम्युनिटी बढ़ी, तो आइस ने जो दिया अच्छा दिया। अब मेरे पास आज की डेट में भी जो एलोकेशन मिला वो आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, ये है लगभग 12 लाख के आसपास है आज की डेट में। मेरे यहां तक कि एक बाइंग भी लगी हुई है 20,000 टोकन की, तो ये देख लीजिए कि मैं तो उसी का उसी में कर रहा हूं। आप ये कैलकुलेशन कर ली, और मैं इसको 2 बार जो है निकाल भी चुका हूं, ये मेरी आ रही है और जा रही है। तो यहां आप इस चीज से अंदाजा लगा लीजिए कि जो मैंने कहा ना कि 50 लाख कोई बहुत बड़ी बात नहीं है माइनिंग से भी, अगर प्रोजेक्ट सही निकलते जाए तो। देखिए मैंने कहा ना कि माइनिंग प्रोजेक्ट है भरोसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब हमें वो कुछ स्टार्टिंग में दे नहीं रहे, हम उनको कुछ दे नहीं रहे, तो हम कैसे कह दें भाई ये अच्छा है ये खराब है। कुछ दिन जब उसकी माइनिंग कर लेते हैं तब थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है कि ठीक है, उसका रोड मैप देख के कि वो किस तरीके का अपडेट ले रहा है उस तरह देख के, उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आया कि नहीं आया वो देख के, तब हो जाता है विश्वास ठीक है ये कुछ देगा। लेकिन कितना देगा ये तब भी नहीं पता चलता है, तब ये तभी पता चलता है जब वो लिस्टिंग हो जाती है, उसका एक प्राइस अनाउंस होता है, तब जाके पता चलता है। तो भाई ये जो कहते अरे सब सब स्कैम होते हैं, तो भाई देखो अपनी हाथ की 5 उंगलियां हैं, क्या सब बराबर हैं? तो इसीलिए हम कहते हैं भाई प्रोजेक्ट में कुछ पता नहीं कि कौन सा सही निकल जाए कौन सा खराब निकल जाए, इसलिए करना शुरू कर दो। मिल गया तो बहुत अच्छा, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। मैंने आइस के एग्जांपल देखे, बाकायदा आपको स्क्रीनशॉट भी दे रहा हूं, कैलकुलेशन आप कर लेना, 2 बार हटा चुका हूं, क्योंकि मैं खुल के बताऊंगा तो फिर वो ठीक नहीं। आप भी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन कीजिए ना, और आज की डेट में भी मेरे पास ये है। क्यों? ऊपर जाता है खत्म, नीचे आता है फिर से बाइंग शुरू, और यहां तक मैं अपनी बाइंग की भी आपको एक स्क्रीनशॉट दे रहा हूं। तो ये क्या है स्ट्रेटजी है, थोड़ा सा आप भी इसी तरीके से चलो। अब अगला जो मुझे सबसे पहले उम्मीद है वो है एथिन से, इसका लॉइन आने वाला है, लॉइन है। और जिसने अभी तक एथिन ज्वाइन नहीं किया, तो देखिए मेरे पास जितने भी माइनिंग वाले प्रोजेक्ट हैं जिनको मैं माइनिंग कर रहा हूं, मैंने बहुत से प्रोजेक्ट तो अभी आपको सजेस्ट भी नहीं किए। क्यों? पहले मैं थोड़ा चेक करता हूं, पहले मैं ये देखता हूं कि क्या इसमें कुछ दम है। तो इसीलिए जब तक दम मुझे नजर नहीं आती तब तक मैं आपको सजेस्ट नहीं करता। जब मुझे लगता है कि हाँ इसमें थोड़ी दम है, अब आपके साथ इसको शेयर कर देना चाहिए, मैं तभी आपको जो है शेयर करता हूं। जैसे कल भी मैंने आपको ट्विटर पर एक टीटी कॉइन है उसको शेयर किया हुआ है, लिंक आपको आपके वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम पर मिल जाएगा और ट्विटर पर भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको मेरा ट्विटर ज्वाइन करना है, टेलीग्राम ज्वाइन करना है, और टेलीग्राम में देखिए कोने में देख रहे हैं आप रेड कलर का सर्कल मैंने किया हुआ है, यहां पर क्या है पिन पोस्ट है। आपको टेलीग्राम में देखिए मेरा टेलीग्राम ओपन ग्रुप है, कोई भी मैसेज कर सकता है, तो बहुत सारे मैसेज होते हैं। आपको अगर पर्सनली मेरा ही मैसेज देखना है तो आप जो पिन पोस्ट है ना इसको थोड़ा सा क्लिक कीजिए, तो मेरे वाले सारे मैसेज आपके सामने होंगे, उसी में सारे के सारे आपके जितने भी माइनिंग प्रोजेक्ट हैं उनके लिंक आपको मिल जाएंगे, वहां से आप किसी भी माइनिंग प्रोजेक्ट को आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि भाई उसमें देखेंगे तो बहुत ज्यादा आपको स्क्रोल करना पड़ेगा, तो आपको शॉर्टकट है जो मैंने आपको सर्कल दिया है उस पर पिन करो और वहां से आप मेरे वाले सारे के सारे प्रोजेक्ट देख लीजिए कौन कौन से हैं, और वहां से आप सारे के सारे ज्वाइन कर लीजिए, वहां सारे के सारे मेरे जो है रेफरल लिंक पड़े हुए हैं। तो ये है ज्वाइन करने का सबसे आसान तरीका। और भाई मैंने कहा ना कि भाई देखिए ये मत पूछो सर ये तो स्कैम है, क्रिप्टो करेंसी में 90% तो स्कैम हो रहा है, इसमें नई बात कौन सी है? तो भाई ये मत कहो कि स्कैम है, ये तो बात की बात है, जो होगा देखा जाएगा। तो भाई देखो टाइम हो तो माइनिंग कीजिए, आपके पास टाइम नहीं है आपको लगता है फ्री का सौदा है तो आप एक काम करो फिर भाई, जो लोग ये सोचते हैं आप बहुत सारे पेड टेलीग्राम ग्रुप है, कोई $100 ले रहा है, कोई $1,000 ले रहा है, कोई $500 ले रहा है, हो सकता है उनकी बात आपको ज्यादा समझ में आ जाए, क्योंकि जब जेब से जाता है तो शायद मुझे लगता है अच्छी तरह समझ में आता है। तो आप वो वाले टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए ज्यादा ठीक रहेंगे, जिनके पास भाई पैसा ज्यादा है और वो सिर्फ खरीद के ही चीजें लेना चाहते हैं, तो भाई आप उनके पेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और आपको बहुत बढ़िया नॉलेज मिलेगी। और शायद मुझे नहीं लगता कि आजकल पेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके कोई करोड़पति बन गया है, कोई बना है तो कमेंट सेक्शन में भाई जरूर बता दिएगा, मैं तो फ्री की चीज बता रहा हूं, अच्छा लगे तो कर लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं आपकी इच्छा है, मैं कर रहा हूं सजेस्ट भी करूंगा। ज्वाइन के लिए मैंने बता दिया है टेलीग्राम पर आ जाइए, आप ट्विटर पर आ जाइए, आपको सारे लिंक अवेलेबल हैं, वहां से आप मेरी टीम के साथ जुड़ सकते हैं, जितने भी आजकल मैंने माइन कर रखे हैं सबके लिंक मिलेंगे। तो देखिए माइनिंग से पैसा कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आसानी से कमाया जा सकता है, लेकिन क्या एक बार थोड़ा सा आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी क्लिक वाली बस। और दूसरी केवाईसी टाइम से अपनी जरूर कीजिए, केवाईसी अगर आप टाइम से नहीं करेंगे तो फिर आपकी मेहनत बेकार हो सकती है। तो ये 2 बातें बहुत ही कंपलसरी हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, प्लस जितना आप ज्यादा रेफरल करेंगे उतना ज्यादा आपकी अर्निंग होगी, आपको रेफरल भी करना पड़ेगा,
आप सिंगल करेंगे तो देखिए आपको फिर लिमिटेड ही प्रॉफिट होगा। जितना ज्यादा रेफरल करेंगे, जितना ज्यादा अपनी टीम को बड़ा करेंगे, उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट भी होगा। तो ये कुछ माइनिंग के थॉट हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो आप दोनों वीडियो देखिए, तो ये वाला देखिए और जो थंबनेल पर ये वीडियो है इसको जरूर देखिएगा, तो आपको माइनिंग के सारी कहते कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अब माइनिंग के बारे में भाई मैं आपको केवल प्रोजेक्ट ही सजेस्ट करा करूंगा, अब ये इस तरीके से डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि दो वीडियो में आपको डिटेल सारी क्लियर कर चुका हूं कि माइनिंग में क्या है और कितना है और कैसे मिलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।